हल्के में कुल वोट 1,96,885 वोट कास्ट हुआ और मरियम नवाज शरीफ ने 83,855 वोट लेकर जो है वो कामयाबी हासिल की। और इनके मद्दे मुकाबले जो तरीके इंसाफ के हमायत में आता थे शहजाद फारूक, उन्होंने 68,376 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। और यूं अगर देखा जाए तो मरियम नवाज शरीफ ने एक अच्छे वोट लिया और इस हल्के में 38.59% जो है वो डाले गए वोटों की शरह फीसद सामने आ रही है। और यूं अगर देखा जाए तो 1,96,000 में से 4,109 वोट जो है वो खारिज किए गए हैं। यूं मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ, जिन्होंने हल्का अन्य 119 में भरपूर तरीके से इंतखाबी मुहिम चलाई और बाकायदा मुस्लिम लीग नून के दीगर जो खवातीन जो रहनुमा थी, कारकुनान थी और दीगर रहनुमा थे, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन भी की और एक भरपूर तरीके से मुकाबला किया। और यहाँ पे मुस्लिम लीग नून ने अपना ही किला दोबारा फतह किया और ये यकीन दिलाया कि वो मुस्लिम लीग नून का घर है और मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीत सकती है। मरियम नवाज शरीफ ने यहाँ से जीत कर एक रिकॉर्ड बनाया और बताया कि क्योंकि पहली दफा मरियम नवाज शरीफ जो है वो लाहौर में बल्कि एनए नेशनल असेंबली की सीट से उन्हें इंतखाब लड़ा था। और इससे पहले ये भी दुनिया टीवी का एजाज है कि जब दुनिया टीवी ने 6 बजे जो पहली खबरें दी थी उसमें नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज के हवाले से खबरें दी थी कि वो जीत रहे हैं और कई पोलिंग स्टेशन के बाकायदा मुस्तरद और दुरुस्त जो है वो रिजल्ट सामने लेकर आए। यही हुआ कि अब बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दुनिया टीवी की जो सबसे पहले खबरें दी गई थी उन पर मोहर लगा के यकीनी तौर पर दुनिया न्यूज की जानिब से जो खबर ब्रेक की जा रही थी उसकी तस्दीक भी हो रही है क्योंकि दुनिया न्यूज सबसे पहले और सबसे तेज की रिवायत को बरकरार रखे हुए है। हसन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे और हमें रिपोर्ट कर रहे थे। नाज़रीन के साथ हम मजीद नतायज भी जैसे जैसे आ रहे हैं वो भी शेयर कर